दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और जबरदस्त एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पूजा मैम, तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। तो मैम, आपने कल के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई और बहुत ही प्रेरक जो आपकी अपनी जर्नी रही, या उससे जो बच्चे सीख सकते हैं, जितने भी आपने ट्रेजडी बताई, फ्लक्चुएशंस बताए, और जो एक लड़कियों में जो अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस होते हैं शादी के बाद, और जो सिचुएशन को हैंडलिंग करना, उन सब के बीच आज आप एक अच्छे एडुकेटर बने हुए हैं। तो इससे बच्चे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सीख सकते हैं। तो बच्चों का एक कंप्लेन है आपसे मैम, जो इस एपिसोड के पहले भी मैं आपसे लेना चाहता हूँ। बच्चों से मैंने पूछा था कि पूजा मैम से आपको क्या जानना है, तो कई क्वेश्चन थे जो मैंने पूछा भी है, आगे भी पूछूंगा। एक कंप्लेन था बच्चों का, कंप्लेन ये था बच्चों का कि मैम जब क्लास में पढ़ाती हैं तो पीपीटी से ज्यादा नजर हमारा मैम पे ही रहता है, क्योंकि मैम का जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना अच्छा होता है कि हमारा पीपीटी पर नजर ही नहीं जाता है। तो मैम को ये कंप्लेन कर दीजिएगा जी। तो ऐसा सर क्यों है, और मतलब बच्चे वो जो आप जो साइड में दिखते हैं और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आप जो बोलते हैं, बच्चे को वो इतना इन्फ्लुएंसिंग लग रहा है कि वो पीपीटी नहीं देख पाते, उनका नजर हटता ही नहीं है। तो फिर ऐसे में फिर ये कंप्लेन है मैम सर ऐसा तो कुछ सर वही जैसा मैंने बताया कि जी मेरे सामने मैं आपको कोई कंटेंट करवा रही हूँ एंड जी बच्चों ने पूछा कि मैडम ये क्या है, तो उसको जी कुछ एग्जांपल दो। अब जब बात आ जाती है एग्जांपल की तो मेरी तो पूरी जर्नी मेरे सामने आ जाती है सही बात, एंड सही सर मैं बात तो बिल्कुल लाइव सबसे ज्यादा, क्योंकि सर आपको पता है कि साइकोलॉजी वही के चाइल्ड डेवलपमेंट है सारा, तो मेरे जी सामने तो मेरी आनिया होती है, फिर मैं उस पर लेकर के चली जाती हूँ। एंड फिर किशोरावस्था की अगर बात आ जाती है तो स्टूडेंट्स होते हैं लाइक दिव्य है हमारे, तो जो जी भी मुझे नजर आते हैं, दिव्य हो हमारे आशीष जी हो या विशाल जी हो, तो सभी जी का नाम ले लेती हूँ। हाँ जी आपने ऐसा किया होगा, आप ऐसा जी करते, जी तो बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल ही रियल होते हुए कि जो हम लोग जी रियलिटी में फेस करते हैं ना, मैं उस पर चली जाती हूँ एंड बच्चे जी भी सर पूरा एंजॉय करके एंड सर उनको वो एग्जाम्पल्स याद रहते हैं। हाँ मैडम ये वाला जो आपने एग्जाम्पल बताया था ये वही है जी ना, तो सर जी मेरा इंटेंशन ही यही होता है कि मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को सिखाऊं। जी नहीं मैम, बेसिकली ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। और कहीं ना कहीं जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, इस सब्जेक्ट में एक अच्छा टीचर वही होगा जो बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि जी पीपीटी सर इसमें नाम मात्र होती है। आपको एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइकोलॉजी चीजें रटाई नहीं जा सकती है, बाल बच्चों के डेवलपमेंट को महसूस कराया जा सकता है, और वो आप करवाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बच्चों की तरफ से, बाय द वे। तो इस पर मैम आपने बहुत मेहनत किया है। और सीडीपी की हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दूसरे एपिसोड का मैं भी इंतजार कर रहा था। सीडीपी में मैम, अगर आपके नजरिए से देखें, क्योंकि हम सब मिलके ही कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जी बच्चे को बहुत मदद करेगी। आपके नजरिए से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कितना इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, या क्यों रखा गया है, या बच्चे को कितना सीरियसली लेना चाहिए, पेडागोजी पर भी आप बताइएगा, और कैसे बच्चे इसको तैयार कर सकते हैं, क्या क्या अपने जो क्लासेस के अलावा जो सेल्फ स्टडी है कैसे कर सकते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है बाद के लिए भी, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिएगा। सर देखिए, अगर बात करूं कि ये सीडीपी हमारे टीचिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर आप जी टीचर बनने वाले हैं, जी आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, जब आप जी बच्चे के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे तो फिर आप एक अच्छी टीचर कैसे बन पाओगे। तो जी पूरी बच्चे के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस प्रकार का बच्चा है, कैसा है, मैं इसको कैसे समझा सकती हूँ, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे सामने बालक आते हैं एंड बिल्कुल सबको एक जैसा समझना बिल्कुल ही बेवकूफी वाला काम होगा। वो तो जी फिर हो गया कि सबको आपने मिक्सअप कर दिया। तो जी सर सीडीपी इसीलिए बेसिकली दिया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है टीचिंग में, ताकि आप जी बच्चों को अच्छे से समझ सके कि आप सही बच्चे बात को किस तरीके से समझाओगे, उसको जी आगे के लिए कैसे तैयार करोगे, क्योंकि जी सर बच्चे का बेस ही अगर अच्छा नहीं होगा ना तो आगे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जी तो सीडीपी वैसे भी हमारा, मतलब अगर मैं कहूँ कि बहुत इजी भी हमारा होता है एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, कि बहुत जी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कि जितना इजी लगता है ना उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ये जो जी हमारी पैडागॉजी वगैरह होती है। जी तो करना कुछ नहीं है, बस ये है कि जितना भी आप कर रहे हैं ना, आपने लाइक आपने पियाजे कोहलबर्ग 10 बार पढ़ लिए, जी लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि आज मैंने पियाजे पढ़ाया उनको जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया,
फिर उसके बाद वो आपकी क्लास में गए, उन्होंने कोई और दूसरा कंटेंट पढ़ा, फिर वो मोनिका मैम की क्लास में चले गए, उन्होंने कोई दूसरा कंटेंट पढ़ा। तो सर क्या करते हैं ना, ये लोग रिवाइज नहीं करते। तो आप चाहे किसी की भी क्लास ले रहे हैं, बट रात के टाइम या जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप थोड़ा सा समय निकाल करके ना रिवीजन जरूर किया कीजिए। अगर आपने आज प्याजे जी पढ़े हैं, वो कंटेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपको उसे रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने ये सोच लिया ना प्याजे मेरा कंप्लीट है, मैडम ने समझा दिया मुझे थ्योरी आ गई, पर जब आप उसकी क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे। सही बात। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, साथ के साथ आप रिविजन भी देते जाइए। और आप अगर ये सोचोगे हाँ ये तो हमारा साइड हो गया, ये तो हमारा कंप्लीट है, और आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आपने बिल्कुल उसको छोड़ दिया, तो सर वो फिर आपको फिर से वही स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वही कि रिविजन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा समय निकाल करके। आप कितनी क्लासेस लीजिए, क्लासेस लेने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप क्लासेस लीजिए, हर किसी की क्लास लीजिए जिसकी आपको पसंद है, बट जिसको जितना भी आपको समझ में आया ना, उसका रिवाइज जरूर कीजिए, रिवीजन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। बिल्कुल। और क्या है कि बहुत ही सही सही तरीके से आपने बोला, और मैं इसमें ये जोड़ना भी चाहूंगा कि सीडीपी क्या है कि हर इंसान का अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। जैसे आपका अपना तरीका होगा, मेरा अपना तरीका होगा, और भी जितने भी हमारे बेस्ट एडुकेटर्स हैं, सब सबका अपना अपना तरीका है। तो सब तरीका सही है, आपको क्या समझ में आता है वो इम्पोर्टेंट। अगर आप मान लीजिए कि पूजा मैम की जो तरीका मैम ने बताया है या जो एग्जांपल्स बताए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर आप मत आइए मेरे क्लास में या किसी और के क्लास में, क्योंकि फिर वो आपके लिए कंफ्लिक्टिंग भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक चीज पर आपने एक तरीके से समझाया, एक एग्जाम्पल से एक अलग वे में समझाया, उस चीज को मैं किसी और वे में समझा रहा हूँ कोई और, तो एक ही चीज को आपको तीन बार क्यों करना है अलग अलग तरीके से, वो तो आपको कंफ्लिक्ट ही करेगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो पहली बात तो विश्वास करिए, उस पर विश्वास करिए, और उसको अगर आप रिवाइज करिए तो एक ही बात है, बात तो एक ही है। आप किधर से भी किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, हम सब तो आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए पागल हैं सब लोग, तो जी तो उसको आप लेके चलिए। बिल्कुल सही बोला आपने, और रिविजन बिल्कुल जरूरी है। पेडागोजी के विषय में मैं अक्सर बच्चों को एक बात बोलता हूँ मैम, कि अगर पेडागोजी बस कर लिया तो पास हो जाओगे। टीचर बहुत लोग मुझे बोलते भी है कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, बाकी टीचर का वॉट लगा देंगे। रीजन क्या है कि 15-15-15-15 जो आपका मैथ ईवीएस हिंदी इंग्लिश में पेडागोजी है, सीडीपी आपका खुद पूरा सीडीपी पेडागोजी ही है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जोड़ के, तो सीडीपी का 30 नंबर और बाकी चार सब्जेक्ट के 15-15 नंबर, तो 30+60 90 नंबर तो ऐसे ही हो गया अगर आपकी पेडागोजी बस कंप्लीट है। तो वहां से आप पास तो कर ही जाएंगे 90 नंबर से, बाकी पैसेज वैसे जाता है तो उसमें भी नंबर घिंची लेंगे, तो आराम से पैसेज पोएट्री कर लिए तो 120 नंबर तो आपके हाथ में है। तो इसमें पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि मैम आप सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ाती हैं, तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि कितनी सिमिलरिटीज है और कैसे बच्चे को ये विजन देखना चाहिए कि हम आज से अगर पेडागोजी की प्रिपरेशन करें या खुद से अटेम्प्ट कैसे करें कि हमें हर सब्जेक्ट में हेल्प मिले। सर देखिए, हमारी क्योंकि पेडागोजी चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ साइंस किसी की भी पेडागोजी है जी। जो आपकी लैंग्वेज है ना वो थोड़ा अलग हो जाती है, जैसे आपकी इंग्लिश और हिंदी सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी पेडागोजी बिल्कुल सेम है। वही बात आप हिंदी भाषा में बोल रहे हैं और वही बात आप इंग्लिश भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी मैथ्स की तो वहां पर थोड़ा सा हमारा पेडागोजी चेंज हो जाती है, एंड जब बात आती है हमारी साइंस की तो वहां पर भी। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो सीखता है वो लर्निंग बाय डूइंग से बहुत अच्छे से सीखता है। अगर यही बात हम लोग लैंग्वेज में, अगर मैं पेडागोजी में पूछूं और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चा ओरली मतलब स्पीकिंग करके अच्छे से सीख रहा है, तो लर्निंग बाय डूइंग से बेटर वाला जो ऑप्शन होगा ना वो स्पीकिंग वाला होगा, क्योंकि हमें बच्चे के अंदर भाषा को डेवलप करना है। तो वही आप लोगों को, अगर आप पेडागोजी को अच्छा मतलब थोड़ा समझने का फेर है, आप करेंगे ना बहुत इजी है, लेकिन वही कि बच्चे क्या करते हैं कि सब कुछ मिक्सअप कर देते हैं कि मैडम वहां तो आपने ये बताया था। बच्चे फोकस करते हैं कीवर्ड्स पर कि कहीं से भी कि भाई कीवर्ड मैडम कीवर्ड लिखवा दीजिए और हम लोगों को बस पास करना है। तो मैं तो सर मनाई करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कीवर्ड अगर लिखवाऊंगी भी ना तो कीवर्ड आपके 99% फॉलो करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपको वो भी देखना है, तब आपको देखना है कि ये कीवर्ड आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना।
अब वही सर भाषा वाली बात आ गई, मैथ्स की बात आ गई, तो वहां पे तो आप जितना अभ्यास करोगे मैथ्स में, आप जितना अभ्यास करोगे आपकी मैथ्स की कैपेसिटी को उतना बढ़ाएगा, क्योंकि मैथ आपका अभ्यास मांगता है। एंड सर लैंग्वेज वाले में आप जितना स्पीकिंग करोगे वो आपका अलग हो गया। तो दोनों में कहते हैं कि अभ्यास जो है वो एक नेगेटिव वर्ड दिखाता है, कि अभ्यास करना रटवाना ये आपका एक नेगेटिव में आता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना हमारी जो पेडागोजी है वो चेंज हो जाती है, कहीं कहीं पर बहुत चीजें सिमिलर होती हैं और कहीं कहीं पर वही चीजें मतलब डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई ना तो बिल्कुल पेडागोजी सर यू चुटकियों में हो जाती है। मैम बहुत ही सटीक बात आपने बताई, एकदम कहते ना कि दुख की नब्ज पे हाथ दे दिया आपने, और ये एकदम ट्रुथ है। क्योंकि बच्चे जब देख रहे हैं कि मुझे मान लीजिए कि पढ़ाना है, तो ये पढ़ाने का तरीका शिक्षा शास्त्र आपका है, लेकिन पढ़ाने का तरीका, किसको पढ़ाने का तरीका, उस पर एक बार तो दिमाग लगाइए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका, उस पर तो दिमाग लगाइए। कौन सी चीज, कोई भी काम आप जनरल रियल लाइफ में भी करते हैं तो वो काम करना है, उसका तरीका है, लेकिन जो काम करते हैं उसका अलग अलग काम के अलग अलग तरीके हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज है कि वो अगर आप समझ रहे हैं कि आप मैथ कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आएगा कि मैथ यहाँ पर मोर ऑन प्रैक्टिस है, तो जो ऑप्शन प्रैक्टिस वाले हैं या करके सीखने वाले हैं उस पे हम जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वहां पर बोलने पे और अली हैं, उसको हम प्रेफरेंसेस देंगे। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स जैसे आपने बोला बच्चे का, अगर कुछ ऑप्शन जैसे रहा करके सीखना, बच्चे इस ऑप्शन के पीछे इतना पागल होते हैं मैम कि क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, जिस ऑप्शन पे आई टिक मार देंगे। एक दो ऐसे अगर कहीं पे आ गया मैम बाल केंद्रित शिक्षा किसी ऑप्शन में तो काहे बच्चे पढ़ेंगे किसी ऑप्शन को। तो ये चीज बहुत आपने एकदम सटीक बात बता दी कि आप अगर इसको कर लीजिए, समझ जाइए, तो फिर तो पेडागोजी आपके हाथ में, मतलब पढ़ना है लेकिन बेस्ड ऑन द डिमांड किस चीज में कैसा होगा वो समझना जरूरी है। जी सर, क्वेश्चन नहीं समझते हैं उन लोगों को, क्वेश्चन नहीं समझना। जब एक बार आप कीवर्ड उनको ना, मतलब एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट्स अपने माइंड में लेकर के चलते हैं बस कैसे भी ना क्वालिफाई हो जाए। एंड सर क्वालिफाई बहुत अच्छे से होगा अगर आप चीजों को बिल्कुल बेस है ना अच्छा करते हुए चलो। सही बात है। अब आप समझ रहे हो कि भाई लैंग्वेज के लिए हमें इस तरफ जाना है और मैथ्स के लिए हमें इस तरफ जाना है, साइंस के लिए हमें थोड़ा इस तरफ प्रैक्टिस में जाना है, तो वो अगर ये बातें समझ में आ गई ना तो आपका पेडागोजी एकदम ओके ओके हो जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। बिल्कुल। और जी सर, और ये डिसाइडिंग फैक्टर है पेडागोजी, अगर आपको आता है तो ये डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और बात ये है मैम कि अब आगे भी तो आपको यही काम करना है ना, तो आप एग्जाम क्या क्या कहते हैं क्वालिफाई करने के बाद भी तो यही काम करेंगे, तो आप मान लीजिए कि बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर भी मान लीजिए किसी तरीके से एग्जाम पास कर गए तो बाद में कहाँ जाएंगे, तो पेडागोजी तो आपको बाद में भी मदद करेगी अगर आप क्वालिफाई करने के बाद है। तो ये चीजें बिल्कुल है। आने वाला जो एग्जाम है मैम, क्योंकि एक साल से अगर आप देखिएगा तो लगभग कोई एग्जाम हुए नहीं, और अब एक एक करके एग्जाम हो रही है, और जैसा लग रहा है अब अगले साल बहुत सारे स्टेट टेट्स के एग्जाम होंगे। और कई बार क्या होता है मैम कि जैसे कि कोई एग्जाम नहीं हो रही है, बच्चे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं, या डेट बढ़ गया एग्जाम का, अभी ऐसी चीजें होंगी तो परेशान हो जाते हैं। और सबसे जो सेंसिटिव बात है, जो जो एग्जाम नजदीक आता है, आपके भी बच्चे एकदम दिमाग पे चढ़े हुए होंगे, जो जो एग्जाम नजदीक आता है बच्चे का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है, जो आपको हमेशा बच्चे मैम डर लग रहा है, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, मैम पढ़ तो लिया था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैम बार बार ये हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैम पता नहीं हार्ट बीट बढ़ जाता है, जल्दबाजी हो जाती है, अभी से सब चीजें आपको सुनने को एग्जाम तक मिलेंगी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ताकि बच्चे आज से उसको फॉलो करें और एग्जाम तक कूल होके बढ़िया से जितना जानते हैं एटलीस्ट उस पे वो बढ़िया परफॉर्म कर सके। सर देखिए मैम, मैंने जो बच्चों की नब्ज पकड़ी है ना, मैं खुद को सर मैं खुद को लेकर के चलती हूँ। जब मैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी, सेम मेरे साथ भी यही होता था, हर किसी के साथ यही होता है। तो सर मैंने अपनी उन चीजों से एक सीख ली है,
कि जब आप एग्जाम के लिए, अब आपको पता है मेरा एग्जाम आ रहा है, पहले तो आप लोगों को ना ये फोकस नहीं करना है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। आप लोगों को पता है हमें टीचर बनना है, तो आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। जब एग्जाम होगा बस आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर वो कल एग्जाम लेना तो हम तैयार हैं एग्जाम के लिए, आप हमसे ले लीजिए। इतने अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ये नहीं कि एग्जाम नहीं हो रहा तो आपने छोड़ दिया। अब सर, अब हम लोग तवे पर रोटियां सेकते हैं, तो अगर सर एक रोटी सेकी फिर हमने गैस बंद कर दी, फिर हम दूसरी रोटी लाएंगे, फिर बहुत उतना ही टाइम हमें दूसरी रोटी सेकने पर लगेगा। तो मतलब ये कि आपको तवे को गर्म करके रखना है ताकि रोटियां आपकी सिकती रहें, किसी भी टाइम आप सेक लो और आपकी रोटियां सिक जाए। तो वही मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आप ये मत देखिए कि डेट आगे बढ़ रही है या अभी तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं। आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप खुद को असेस कीजिए कि मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें समझ में आई हैं। अगर इस क्वेश्चन को ही घुमा करके ये मेरे सामने क्वेश्चन आ गया तो मैं क्यों इसे नहीं कर पाया। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो सर आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएंगी। बिल्कुल। एंड बेसिकली मैं कहूंगी एग्जाम के टाइम पर आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो इनफ है। जितना आप पढ़ चुके हो ना सिर्फ उसी को आप अच्छा कर लीजिए, बाकी आप जितने प्रैक्टिस सेट करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। आप लोगों को एक तो इससे प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर कि तैयार जी जी मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ना उन लोगों का मतलब इसलिए वो फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर ये बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि सर आता तो सब कुछ था लेकिन है ना टाइम ही नहीं मिल पाया, कब टाइम खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो जब एग्जाम के टाइम पर आप जितना भी पढ़ चुके हो ना, आप एमसीक्यूज पर, वन लाइनर पर ध्यान दीजिए एंड खुद से आप सॉल्व कीजिए। एक टाइम रख लीजिए कि हाँ मुझे इतने घंटे में या इतने मिनट में मुझे ये सेक्शन क्लियर करना है, और सबसे पहले स्टार्टिंग आपको उससे करनी है जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा माहिर है, जिसमें आप एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि ये वाला तो मैं इसमें इतने मार्क्स लेकर के आऊंगा, ये मेरा बहुत अच्छा है, तो ऐसे आप करते चलिए। एंड सीरियसली सर मतलब बहुत फर्क पड़ता है, मैंने तो ऐसे ही फॉलो किया था एंड ऐसे ही करती आ रही हूँ। मैं हर किसी को यही सजेशन देती हूँ कि आप ऐसे ही किया कीजिए, क्योंकि इससे सर क्या होता है ना कि आपको पता चल जाएगा कि हम कितने टाइम में हम कितना कवर कर पा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हमारी, कहाँ पर हमारी कमी निकल रही है, उसको आप नोट डाउन करते जाओ कि अरे पियाजे वाले चैप्टर में मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, जबकि मैंने तो आत्मसातीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो मतलब आप किसी भी तरीके के आत्मसातीकरण के आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन पेश कर दे, आप उसका तुरंत आंसर दे दें, तो वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर, आपके रिविजन पर। तो प्रैक्टिस और रिविजन मस्ट है, आप लोगों को वो तो करनी ही है। जी जी। और लास्ट मिनट में सकारात्मक सोच रख के अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना है उसको बढ़िया से परफॉर्म करेंगे तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन होगा। कर चुके हो मतलब ये नहीं सोचना है अरे हमारा अभी ये रह गया, हो सकता है आपका लक इतना अच्छा हो कि वहां से क्वेश्चन ही ना पुटअप किया जाए, जो आपने किया है वहीं से आ जाए। तो वही एक पॉजिटिविटी के जितना हमने किया है ना वो बहुत है, अब इसी को हमें जितना हमने कर लिया उसको अच्छे से करते हुए चलते हैं, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। जी मैम, लगे हाथ हम एग्जाम के लिए एग्जाम हॉल की भी टिप्स जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत नजदीक एग्जाम है, एग्जाम हॉल की भी टिप्स हम जानना चाहेंगे कि बच्चे ना एग्जाम में हॉल में गए, उसके बाद जितने भी टाइम बैठे बैठे बैठ के आ गए, उसके बाद कुछ कुछ स्टेटमेंट आएंगे, अरे ये वाला क्वेश्चन भी था क्या, ये वाला पेज तो छूट ही गया, अरे ये इसके लिए तो टाइम ही नहीं मिला, ये बार हम तो इसी क्वेश्चन में फंसे रह गए, हम तो इस सेक्शन पे गए ही नहीं, ये भी आया था, ये वाला अगर बस देख लेते तो बन जाता। जी, तो जी, जी। ऐसे कई सारी चीजें होती है और बाद में कैलकुलेट करते हैं कि जितना मैंने जानबूझ के गलती की इतना में तो मुझे 120 आ जाता। तो इस प्रकार के चीजों से बच्चे बचें और इन चीजों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके एग्जाम में, इसके लिए क्या आप चाहते हैं, मतलब टिप्स देना चाहते हैं बच्चे को? देखिए ये प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स की नहीं है, मेरी भी ये प्रॉब्लम रही थी हमेशा, मतलब ऐसे ही होता था, हर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है सर, शायद आपकी भी रही होगी। बिल्कुल, तो सर आपको ना मैं बस ये सजेशन जो मुझे मेरे टीचर्स ने गाइड किया था मैं बस वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे होते हैं सोचते हैं लास्ट मोमेंट में ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, तो आपका क्या होता है कि जो आपने लास्ट मोमेंट में पढ़ा वो आपके दिमाग में घूमता रहता है एंड बाकी आप इतना फ्रस्ट्रेट अरे ये भी सब कुछ मतलब मिक्सअप हो जाता है। तो बिल्कुल रात तक आप पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ दोपहर तक ही पढ़िए, एकदम कूल माइंड रखिए अपना, बिल्कुल कुछ हाथ ही नहीं लगाना, अब जो पढ़ लिया जो आपके माइंड में सेट हो चुका है वो हो चुका है, इससे ज्यादा वही कि ग्लास के ऊपर पानी भरते जाओगे वेस्ट जाना है वो सारा। तो आप एकदम कूल माइंड होकर के अपना कि हाँ भी हमें पेपर देने के लिए जाना है, अपना सॉन्ग वॉन्ग सुनिए, आपका जो फेवरेट टीवी सीरियल है वो देखिए या फिर कोई मूवी है वो देखनी है वो देखिए,
सुबह आप अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के जाइए, मत सोचिए कुछ भी कि कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, ये आप भी जानते हैं, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो कुछ तो आपके अंदर गया होगा जो वहां पर आप वहां पर परफॉर्म करके आओगे, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का एग्जामिनर को। बिल्कुल 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 मैम, एक छोटा सा वाक्य मुझे यहाँ पे याद आ गया आपके इस पॉइंट से, जैसे आपने बोला कि हम सभी लोगों ने इसको फेस किया है, और बच्चे को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये एक्सेप्शन नहीं है जो आपको इतना लग रहा है कि मैं मुझे याद नहीं रह रहा है या मेरे साथ परेशानी हो रही है, सबके साथ ऐसा होता है। जैसे आपने बोला ना लास्ट मिनट पे, हमारा भी जब कॉलेज टाइम था मैम, तो इंजीनियरिंग में था मैं, तो हमारे कॉलेज टाइम में क्या होता था कि जो सेमेस्टर्स के एग्जाम होते थे उसमें क्या है कि बच्चे लोग यही मतलब अब एग्जाम हॉल में मान लीजिए 10 बजे से होनी है तो 9:58 तक बच्चे एकदम गेट पर, टीचर बोल रहे कि बैग बाहर रखो, वो गेट पे ऐसे नोट्स उल्टा रहे हैं, नोट्स उल्टा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दो कैटेगरी के बच्चे होते थे जो उसको देखते थे उसके पेज को, उसमें कोई एक ऐसा वर्ड या क्वेश्चन लिखा हुआ है जो उसने कभी सुना नहीं है, अब वो देख के वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि अरे यार अब मतलब ये भी ये कहां से आ गया, ये कौन से टॉपिक में है, थोड़ा हमको भी दिखा दो। तो उस चक्कर में बेचारा जो पिछले इतने दिनों से पढ़ा था लास्ट मिनट में सब वैनिश्ड हो गया, वही चीज दिमाग में घूमते रहेगी, एग्जाम हॉल में हड़बड़ी हो गई। मेरे साथ एक बड़ा गजब वाक्य हुआ था मैम, मैं थोड़ा लाइट ही रहता था, मतलब उतना ज्यादा ये सब में था नहीं, तो मैं अपना जो पढ़ा लिखा शाम तक में हो गया अपना, सुबह में थोड़ा म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट था तो मैं गिटार उटार बजाता था तो उसमें ही रह जाता था मैं एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम खत्म हो गई, एग्जाम से बाहर निकला, मेरा एक दोस्त मेरे से पूछता है कि यार ग्राफ वाले क्वेश्चन में 3.44 आंसर आएंगे या 3.5 आएंगे। अच्छा, मैं अलग ही सोच रहा हूँ कि ग्राफ वाला भी क्वेश्चन था क्या, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है ग्राफ वाला। फिर मुझे अच्छा, वो जो बाद में लिया था वो एक्स्ट्रा सीट नहीं था, वो तो ग्राफ पेपर था जो टीचर सबको मेंटली बांट रहा था। मैंने बोला था नहीं 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 चाहिए। तो अच्छा, तो ये लेवल के चीजें थी, क्योंकि अब वहां पर अगर मैम मैं ये फ्रस्ट्रेट होऊंगा कि मान लीजिए मेरे से मिस हो गया, वहां पर वो फ्रस्ट्रेट होने का, 1 घंटे बाद मेरा फिर से एग्जाम होना था, मैं तो उसमें भी खराब करके चले आता फिर। तो मान लीजिए कोई चीज आप छूट रही है एग्जाम से पहले ही, अगर कोई छूट रही है तो ठीक है ना, आपने जितना पढ़ा है उतने को परफॉर्म करके आइए, और सीटेट है, और जैसा आपने अभी पेडागोजी के बारे में भी बोला कि कंप्लीटली आप इस चीज को अगर हर सब्जेक्ट के हिसाब से महसूस करते हैं तो आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने अवेयरनेस को वहां पे जिंदा रखिए। जी जी जी, एंड पैडागोजी मतलब ऐसे है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड होता है सब जी, मतलब यही कि आप जैसे क्लास 3rd के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहे हैं तो आप वहां पर उसके ये नहीं कि आप एक टीचर एज ए टीचर आप वहां पर देख रहे हैं, आप सोचिए कि 3rd क्लास का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। एंड सर पैडागोजी में तो सर आपने देखा होगा कि चारों ऑप्शन हमारे सही आते हैं, ए बी 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 सी बी और डी। अब वहां पर बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि लगाए तो किसको लगे, तो वहां पर फिर हमें बेस्ट वाला जहां पर हमें लगे कि भाई ये बाकी के ऑप्शन भी इसी के अंदर इंक्लूड है तो आप वहां पर उसे चूज कीजिए। तो वही थोड़ा सा बस समझ करके चलना है, और वही के मतलब हाइपर नहीं होना है कि अरे ये नहीं पढ़ा, अरे अभी तो हमारा ब्रूनर भी रह गया है, अरे अभी तो हमारा क्या कहते हैं कोहलबर्ग तो मैंने छुआ ही नहीं है। तो मतलब जितना अगर आपने पियाजे जी कर लिए हैं तो पियाजे से ही 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आप अगर उनको अच्छे से करके आ गए ना, क्योंकि सर आपको पता है एग्जामिनर वहां पर सभी को फेल करने के लिए बैठे, वो तो ये सोचता है सारे फेल हो जाए, मैं तो पास नहीं करूंगा किसी जी। तो वही है कि आप अगर प्याजे अच्छे से करके गए हो तो इतना अच्छे से उसको कर लो कि एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर ले आप वहां पर नहीं चूकोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चे वही चारों ऑप्शन जब एक जैसे आपको लग रहे हैं तो आप देखिए सीटेट भी बोलता है कि भाई बेस्ट ऑप्शन चूज करी, तो उसके हिसाब से। और कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पढ़ना भी हो जाता है। एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने कराया था मैम सीडीपी में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उसमें था बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, या मान लीजिए कि कोई दूसरा ऑप्शन ले लीजिए कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, बच्चों के साथ खेलना, या बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार रखना, और चौथा ऑप्शन था बच्चे को पढ़ाना शिक्षण करना। तो इससे पहले के ऑप्शन जो थे वो थे व्यक्तित्व विकास करिए, या बच्चे को खेल खिलवाइए, या बच्चों के साथ दोस्ती व्यवहार करिए, तो सब सारे ऑप्शन में लगे हैं। लास्ट ऑप्शन जो था कि बच्चे को पढ़ाना, शिक्षक का तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है बच्चे को पढ़ाना, लेकिन ऑप्शन जब आपको बड़े बड़े ऑप्शन दे देता है तो अरे व्यक्तित्व का विकास आ गया
ऐसे ऑप्शन में लोग नहीं, तो भारी है ऑप्शन, सुनने में लग रहा है व्यक्ति तो मतलब कोई वैसा, मतलब वैसा बाहुबली टाइप से कुछ है जो होने वाला है कुछ एकदम जी बड़ा, तो वो मतलब उसके पीछे चले जाते हैं। तो जी रियलिटी सर में आपका एक पॉइंट मैंने मैंने भी आज सीखा है, और इस चीज को मैं भी मतलब मुझे लगता है कि मैं भी आगे बच्चे को बोलूंगा कि आप क्वेश्चन के डिमांड को समझिए और उस जी डिमांड सर के हिसाब से ही आप जो है काम करिए, और ये बच्चे को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी जी तो सर मैम, जो भी अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और सीटेट की एग्जाम जो भी बच्चे देने जा रहे हैं आगे, तो जी इतनी चीजें हैं, खास करके महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि उन लोगों को भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है जैसे आपको करना पड़ा था, और अभी भी आपको क्लास लेने के लिए करना ही पड़ता है, तो उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगी जो कि रोटी बनाते बनाते भी क्लास ले रही हैं, हस्बैंड हाँ ऑफिस जी जा सर रहे हैं उसका भी टेंशन है, घर में बच्चे रो रहे हैं उसका भी टेंशन है, कई बार कई लोगों के परिवार में ये लाइक नहीं करते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, जी लड़की सर ज्यादा देर मोबाइल लेके रख रख रह बैठी हुई है अगर बालकोनी में, तो परिवार बगल वाले आके शिकायत करते हैं कि आपकी बेटी बर्बाद हो गई है, उनको जी कितना भी बोलिए अनअकैडमी में पढ़ाई कर रही है कि नहीं, हम देख रहे थे हंस रही थी, अब क्या करें, पूजा मैम हंसा के पढ़ाती है तो हंस रहे। तो ऐसे सिचुएशन जिन बच्चों के साथ हो रहा है और जिसके वजह से कई तरह के डेविएशन भी हैं, तो उनको आप एग्जाम तक के लिए कुछ ऐसा रामबाण बताइए या आपका जो तरीका है कि किन चीजों के लिए वो गजनी बन जाए या कैसे वो चीजों को डील करे, थोड़ा सा बच्चों को बताइए ना। सर वे देखिए कि मैं तो यही कहूंगी कि प्रॉब्लम्स, ये तो सर फैक्ट है कि जी आफ्टर मैरिज पढ़ना सर बहुत बड़ी मतलब युद्ध लड़ना के बराबर है, कि जी बहुत मुझे पता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पर होती है। हमें अपने जी हस्बैंड को भी प्रॉपर देखना है, अपने बच्चों को भी प्रॉपर ध्यान देना है, घर की सर बहुत सारे काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क आपको करने हैं, तो इन सभी को जब आप अगर लेकिन अगर आपने ये ठान लिया ना कि भाई मुझे टीचर बनना है तो सर आप बन जाओगे। आप सिर्फ एक पॉजिटिविटी मन में रखिए कि ये सारी चीजें कि जो इतने बड़े बड़े महापुरुष बने हैं जी जिन्होंने कुछ हासिल किया है ना, तो उन्हें इन सबका सामना तो करना पड़ा है, तो ऐसा किसी के लिए नहीं हुआ है। या तो फिर आप बहुत ही ज्यादा लकी है कि आपको जी कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा और आप डायरेक्टली आपको वो जॉब मिल गई। जी अगर आप लेकिन होते नहीं है सर इतने लकी सब लोग, सही बात तो ये प्रॉब्लम्स तो सर फेस करनी पड़ेंगी। बस आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि ठीक है ना, मतलब ये तो रोज का ही लगा रहेगा, लेकिन अगर एक बार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक बार मैं अगर टीचर बन गई, तो सोचो मेरी लाइफ कितना चेंज हो जाएगी। तो जी बस यही एटीट्यूड मन में लेकर के चलना है, यही पॉजिटिविटी लेकर के चलनी है कि भाई मुझे ना बस करना है, कोई बात नहीं आज करना, थोड़ा काम करना पड़ रहा है, लेकिन कल अगर मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मेरे हस्बैंड भी कहेंगे कि सुनिए आपके लिए सही एक बात, रामू काका लेकर के आ जाओ। आ जाओ। सासू माँ भी कहेंगे अरे बेटी रुक जा, थक गई होगी, चाय वाय पी ले, थोड़ा रुक जाओ उसके बाद करियो। तो नहीं सर चीजें ऐसे बहुत तो ज्यादा चेंज हो जाती है सर। जी, ऐसे तो मैम इतिहास भी गवाह है कि वाइफ अगर जॉब में रहती है या नहीं भी रहती है, हस्बैंड ही रामू काका रहता है, ये तो पूरे यूनिवर्सल ट्रूथ है, अलग से रामू काका की जरूरत नहीं पड़ती है, शादी के बाद तो हस्बैंड को बनना ही पड़ता है। खैर ये चीज मतलब आप हंसिए खेलिए मस्त रहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल झेलते जाइए करते जाइए, प्रॉब्लम क्या है वो तो आपके लाइफ के हाँ जी चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, वो तो हैंडल करना ही है। बिल्कुल सर, लाइफ ही हमारा मतलब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी मतलब लाइफ ही है हमारी कि बहुत सारी जी प्रॉब्लम्स का एक बोल सकते हैं ना कि पैकेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, कि जगह जी जगह पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड सर एक जी और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी जी कि लाइव हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो उनमें आपस में कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती है, जैसे नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं ना, अब ऑनलाइन भी डिजिटल लड़ाइयां होने लगी है हमारे ऐप के कारण, जी तो बच्चे मतलब वही कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं अरे इसने ऐसा बोला, हम तो उस क्लास में ही नहीं जाएंगे, दीपक सर की क्लास में ऐसा हो गया तो हमें अब सर की क्लास में नहीं जाना, सब हमको चिढ़ाएंगे। तो मैं जी ये बस कहना चाहती हूँ, बच्चों से ये बोलना चाहती हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको कोई क्या बोल रहे सही हैं, जब बात आप सक्सेस हो जाओगे ना, जब आपको सक्सेस हाथ लग जाएगी तो वही लोग ना आपसे बातें करने के लिए आएंगे। आप सही सिर्फ बात अपना पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, एंड जी कोई कुछ बोले ना बोले आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप क्लास में आए, आपने पे किया है, आपको पूरा हक है, आप बिल्कुल कि मैडम नहीं आया 50 बार पूछने का हक है आपको, बस जी ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने क्लास में आने ही छोड़ दिया या आपने ऐप ही आपने चलाना छोड़ दिया, तो वो एक गलत बात हो जाती है। तो ऐसा प्लीज कोई भी स्टूडेंट ना करे, सब लोग ये सोचे कि भाई मुझे किसी से क्या लेना, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और मुझे अपना मुकाम हासिल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात मैम आपने बोली, और
जिंदगी में आप 1000 चीज के लिए सेल्फिश होते हैं, थोड़ा अपने टाइम को लेके भी सेल्फिश हो जाइए कि हम अपने समय को जी सही जी चीजों जी में लगाएं, और जिस काम को हम कर रहे हैं, जो मेरा एम्बिशन है उसको लेके सेल्फिश हो जाइए कि हम उस एम्बिशन को जी पाना है, बिल्कुल हमको उसके लिए बाकी चीजों से मतलब नहीं है। अभी घर से बाहर से अगर कोई एक चप्पल उठा के लेके चला जाता है दरवाजे के बाहर से तो गाली देके आते हैं, तो उस अपने उस एक्सटर्नल चीजों के लिए इतना आप सोच रहे हैं, तो एक बार अपने जी प्रेजेंस के लिए सोचिए, अपने करियर के लिए सोचिए ना कि इन चीजों से अगर आप जी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो चीजें, तो 1000 चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही बैठी है, तो अगर आप ये बिल्कुल हो सर रहे हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। तो मैं अक्सर जी इस बारे में मैं भी बच्चों को बोलता रहता हूँ मैम कि क्या चीज मेरे माइंड पे इन्फ्लुएंस करेगी, इसका कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए, ये दूसरे लोग नहीं कर सकते, उनके पास हम जी सर कंट्रोल देंगे तब ना जाएगा। आप मुझे कुछ मान लीजिए बोलेंगे या कोई मुझे कुछ बोलेगा तो वो मैं उस चीज का महत्व दूंगा तभी वो चीज मुझे इन्फ्लुएंस करेगी, अगर मैं उस चीज का महत्व ही नहीं दे रहा हूं तो हाँ मैं जी तो सर अपना डायरेक्शन नहीं, मेरा डिस्ट्रैक्ट होगा फिर। तो आप कोई कुछ आपको बोल दे रहा है, बहुत बिल्कुल अच्छी सर बात बोली मैम, मुझे ये पॉइंट आज तक के किसी डिस्कशन में नहीं उठी थी और बहुत जरूरी पॉइंट है, लेकिन क्लास में जो बच्चे अपने जी टाइम को और अपने कंसंट्रेशन को भंग करते हैं और उसके बाद आगे जो आप अपने रूटीन को खराब करते हैं, ऐसा मत करिए। ट्राई टू बी सेल्फिश जी फॉर योर टाइम, फॉर योर स्टडी, फॉर योर फ्यूचर, ताकि जी आप सर ये कर पाए। बिल्कुल मैम, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जी आप सर चूंकि इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ाती हैं, हाँ बच्चे जी सर का थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट है, हमारे जी पूरे भारत में ही है, और अक्सर ऐसा बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं कि जो अंग्रेज ने हिंदी को खड़ा बोल बोल के बदनाम किया है हिंदी को, हम लोग अंग्रेजी खड़ा बोल के उसको बदनाम कर रहे हैं। हम सब अंग्रेजी जी खराब ही बोलते हैं ताकि अंग्रेज का यहाँ पे हम इंसल्ट करें, लेकिन जोक्स अपार्ट जरूरी तो है आपको सीखना बोलना जी या सब्जेक्ट को क्लियर करना, या आगे भी आपको अगर कोई ऐसे कन्वर्सेशन करने हैं तो आप नकार नहीं सकते उसको। तो जी थोड़ा सर सा जी आप बताइए, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके वजह से बच्चे, वही अगर हिंदी में आएंगे तो बन जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश पेडागोजी के वर्ड्स के कारण नहीं बन पाते हैं, तो इस पर आपका क्या सजेशन? सर देखिए इंग्लिश ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीख सकता है, हर कोई इंग्लिश सीख ले। वही कि हम लोग ऐसी क्या चीजें जो हम लोग अगर ना चाहें तो वो हमें आएगी नहीं, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो आपके अंदर यही कि भाई मुझे सीखना है। बहुत सारे सर स्टूडेंट्स आते हैं, मैडम मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैडम मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वही कि आप लोगों को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, आप रीडिंग कीजिए। आप रीडिंग करोगे सर, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप उनकी मीनिंग जानोगे। आप एक बार पढ़ रहे हो, दूसरा वो वर्ड दूसरी बार आपके सामने आया, आपको याद आएगा अरे हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, इसका मतलब ये था। फिर आप रीडिंग कर रहे हो, मतलब आप रीडिंग को ना एक हैबिट बना लीजिए कि आपको थोड़ा सा एक टाइम निकालना है और उसमें आपको रीडिंग करनी है। एंड रही बात इंग्लिश पैडागॉजी की, क्योंकि इंग्लिश पैडागॉजी का मतलब अगर मान लीजिए आपके पास नहीं, आपका बहुत अच्छा वोकैब है, तो इंग्लिश पैडागॉजी को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप जाइए। क्योंकि सर हमारा जो सीटेट है ना, वो सर कितने सारे क्वेश्चंस को एज इट इज रिपीट करता है। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, डेफिनेटली आप लोगों का मतलब 10 to 12 marks आपके अपने आप ही आ जाएंगे। एंड पैसेज को करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, रीडिंग जी पर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी। एंड टाइम भी बहुत मायने रखता है। जब आप जी रीडिंग करोगे, वोकैब आपकी अच्छी होगी, फिर आप पढ़ोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही इंग्लिश पैडागॉजी भी हो जाएगी। इंग्लिश पैडागॉजी कौन सा कहीं का भूत है, मतलब सब जी लोग मतलब समझ करके बैठते कि हाँ इंग्लिश पैडागॉजी है, इंग्लिश बिल्कुल हिंदी की तरह है, लेकिन सिर्फ जी वही की लैंग्वेज का फर्क आ गया। तो वही, जी उसको डरना नहीं है, उसको फेस करना है हमें। तो उसके बिल्कुल लिए हमें ट्रिक्स देखनी है, हमें फैक्ट्स देखने हैं कि हम इसको कैसे करें। अगर आप डरोगे कि मुझे आता नहीं है, पहले आपने अपने माइंड में एक इंटेंशन डाल दिया कि मैं तो यार कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब मुझसे तो होगा ही नहीं, तो अगर आप कर भी सकते हो ना, तो भी आपका जो इंटेंशन जो घुस गया आपके माइंड में कि होगा ही नहीं, बहुत टफ है, तो वो आपको कुछ करने नहीं देगा। तो आप सही ये बात। सोचो हाँ ठीक है, थोड़ा तंग है मेरा हाथ इंग्लिश में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। तो आप वहां पर जब प्रैक्टिस देंगे उस चीज को, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मैम, जी आपके जितने भी क्लासेस सभी चल रहे हैं, जहां जहां पे चल रहे हैं, मतलब प्लस पे या स्पेशल पे या जहां पर भी, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, उसके टाइमिंग के बारे में बताइए, और आने वाले अगर कोई बैचेज के बारे में आप बताना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, ताकि जो बच्चे आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या जिनको नहीं मौका मिल पाया है, तो उन बच्चे को भी मौका मिले आपसे जुड़ने का।
तो एक बार अपने क्लासेस के बारे में मैम जरूर बताइए। जी, एक साल मेरा यूपी टेट का बैच कोर्स चल रहा है सीडीपी का, वो 12 बजे होता है, वो होता है हमारा टीटीएस में। और सर एक मैथ्स पैडागोजी करवा रही हूँ, हालांकि मैथ्स पैडागोजी का हमारा सेशन है, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि मैडम आप उसमें ना हमारा टेस्ट लिया कीजिए एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आप पैडागोजी करवाइए, लाइक कभी आपने मैथ्स की करवा दी, कभी आपने ईवीएस की करवा दी, कभी हिंदी की। तो फिलहाल तो अभी टेस्ट वाला सेशन चल रहा है, तो मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि मैथ्स पैडागोजी में सब्जेक्ट जितने भी मैं आपको टॉपिक्स करवा चुकी हूँ ना, उसके मैं टेस्ट लूंगी आपसे इन वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि अब क्योंकि एग्जाम टाइम हमारा बिल्कुल करीब है, तो आपको एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है बजाय थ्योरी के। एंड वन लाइनर अगर आप करोगे तो मतलब ये होता है एमसीक्यूज करने से इस टाइम पर, कि आपने अगर कोई थ्योरी पढ़ी नहीं है तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने करा था, मैडम ने करवाया था, और ये मेरा गलत भी हुआ था, तो वो एक ना आपके माइंड में बैठ जाता है। एंड कैसे भी आप लकीली कह लीजिए या फिर कैसे भी, आपको एक नंबर फ्री का मिल जाएगा फिर वहां जी। तो इसलिए मैं मैथ्स पैडागोजी में सारा ये इन लोगों का रिवीजन करवा रही हूँ। बहुत अच्छी बात। एंड सर एक और मेरा रीट का बैच कोर्स आने वाला है जी, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। एंड एक और मेरा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 28 तारीख को एक और आने वाला है मेरा बैच कोर्स जो स्पेशली सीटेट के लिए, उसमें मैं प्रीवियस ईयर करवाने वाली हूँ, तो उसकी टाइमिंग 2:30 बजे रहेगी। रीट वाले की 12 बजे है, मैथ्स पैडागोजी 2:30 बजे करवाती हूँ, 28 से पहले वो खत्म हो जाएगा। और फिर 28 तारीख से नया कोर्स आ रहा है सीटेट के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वो भी 2:30 बजे ही होगा। ओके, तो आपका जो टाइमिंग है वो 12-12 बजे है और 2:30 है, ये दो टाइमिंग है। तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैम के प्रोफाइल पे एक बार जाइए, जितने भी कोर्सेस हैं आप उनको इनरोल करिए। और जैसा कि मुझे समझ में आया कि बहुत ही अच्छा है कि एग्जाम के टाइम को देखते हुए मैम एक कोर्स के सब्जेक्ट में बहुत वैरायटी ऑफ चीजें आपको रिवाइज करवा रही हैं, टेस्ट ले रही हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। आप लोग जरूर जाइए, 12 बजे और 2:30 बजे मैम की स्केड्यूल आप इनरोल कर लेंगे तो आपको स्केड्यूल ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। जाइए देखिए और खूब बढ़िया से फायदा उठाइए। मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ क्लास में, मैं भी बहुत कुछ सीखना चाह रहा हूँ। और मैम एक लास्ट कंप्लेन है आपके लिए, ये कंप्लेन टीचर्स का है। टीचर्स का कंप्लेन ये है कि आप मैथ पेडागोजी पढ़ाती हैं, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाती हैं, हिंदी पेडागोजी पढ़ाती हैं, ईवीएस पेडागोजी पढ़ाती हैं और पूरा सीडीपी पढ़ाती हैं, और अभी आप जो है पूरे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी करवा रही हैं। तो बाकी 49 एडुकेटर बढ़िया बिस्तर बांध के निकल जाए फिर। अच्छा, और बच्चे आपको पसंद भी कर रहे हैं, वो भी बात है, बच्चे को पसंद भी कर रहे हैं, मन भी लग रहा है, तो बाकी 49 लेके चलते हैं फिर कहीं और। जी सर, नहीं सर, वो तो सर अपनी वही है कि पैडागोजी में ना सर एक कमांड हो गई है, तो लाइक बच्चे कहते हैं कि सर जैसे ना, मतलब बच्चों की एक कंप्लेन आई है मेरे पास में आती है कि साइंस की टीचर है यहाँ पर, भावना मैडम है हमारी जी, कि मैडम साइंस तो हमें मिल जाती है लेकिन साइंस की पैडागोजी हमें नहीं मिल पाती है। एंड सर आपको वहां पता है कि वो भी 15 मार्क्स में आती है आपकी, तो 15 मार्क्स सर बहुत मायने रखते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम प्लीज ये बात आप अनअकैडमी तक पहुंचाइए एंड हमें साइंस की पैडागोजी के लिए भी बोली, और उन्होंने स्पेशली मुझसे बोला। लेकिन सर मैंने ना अभी तक मतलब साइंस की पैडागोजी सर मैंने करवाई नहीं है, तो सर मैं बोलती हूँ कि पहले उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों तक लेकर के आ पाऊंगी। लेकिन सर दिक्कत ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो अगर कोई साइंस पैडागोजी के लिए भी आ जाए ना, तो बस बच्चों का बेड़ा पार हो जाए। नहीं, मैं बच्चों को मैं टिप्स दे रहा हूँ। अनअकैडमी में एक चैट का ऑप्शन आता है, जाके सब लोग एक साथ बोलिए कि पूजा मैम को साइंस भी पढ़ाना है, तो टाइम मैम निकालेंगी और आप लोगों से बहुत मैम स्नेह करती है तो मैम जरूर पढ़ाएंगी। और मैम ये बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, मेरा मन खुश हो गया आपसे बात करके, और बहुत ही सकारात्मक विचार हैं आपके, और ऐसे ही वर्सिटाइल जो आपकी नॉलेज है, जो आपका क्या बोलेगा क्रिएटिविटी है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे मैम। और हर चीज जो आने वाला जेनरेशन है वो कुछ ऐसा सीख के जाए, ऐसा करके जाए जो दुनिया देखे और उनसे पूछे कि भाई तुम बैंक में हो या तुम रेलवे में हो, उनके जो स्टूडेंट होंगे, तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम किनसे पढ़े, तो उनके टीचर बोले कि भैया हम तो ऐसे मैम से पढ़े जिनका कि बैंक में भी ट्रस्टी हो गया, पीओ में भी ट्रस्टी हो गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि हो रही है और आगे भी होगी। मैम जाते जाते आप बच्चे को एक फाइनल संदेश दे के जाइए, एग्जाम बहुत नजदीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका फाइनल स्पीच बच्चों के लिए मैम।
फाइनल मेरा ये होगा, जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं आप ये सोचिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, सिर्फ उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर वही जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसको आप अगर अच्छे से रिवाइज करोगे ना, मतलब आपका माइंड इतने तरीके से कि वो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें भी मुझे याद आ रही है, ये चीजें भी मुझे याद आ रही है। तो रिविजन इज मस्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप उसको इतना टाइम दीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है ना आप उसको रिवाइज कर रहे हो। एंड अब थ्योरी पर ना जाए, जितना कोशिश हो सके ना आप एमसीक्यूज करिए, वन लाइनर कीजिए, एंड डेफिनेटली आप लोगों का क्वालिफाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही मोटिवेटिंग इंटरव्यू रहा और बहुत कुछ ये एक सकारात्मक संदेश गया है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चे आपको प्यार करते रहें, आप बच्चे को अनेक से एक चीजें देते रहें और आने वाले समय में जहां पर भी कुछ भी जरूरत हो बच्चे की मदद करते रहें। और मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आएगा तो वो इस चीज का गवाह होगा कि आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी बैलेंस किया है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को, उस दिन आपका भी सर जो है फक्र से प्राउड होगा मैम जब बच्चों का रिजल्ट आएगा। जी तो सारे मेहनत का उसी दिन मुझे लगता है कि वो जो चीज एक टीचर को मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती है, तो वो जरूर होगा। और मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ भी है, और मैं आपके भी भावी जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए मैं बहुत हृदय से कामना करता हूँ। आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, विश यू द सेम। ओके सर जी, तो बच्चों आप जी आपके साथ थी यहाँ पर पूजा मैम का दूसरा एपिसोड। आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिए और शेयर करिए, और अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें और खूब खुश रहें, खूब एंजॉय करें। हम मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।